Good morning, everybody. Today we'll have a discussion on chapter number 1, class 9th, maths. This is the third part of the chapter. Today we'll discuss exercise 1.3. Question number 1. Write in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. 36 by 100. सीधे अपन डेसिमल को जितने जितने जीरो हैं डिनोमिनेटर में उतने डिजिट्स के बाद नंबर पॉइंट लग जाएगा, या आप लॉन्ग डिवीजन करके देखिए दोनों में आंसर क्या आएगा, 0.36, क्योंकि ये डेसिमल टर्मिनेट हो गया तो दिस इज अ रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल. सेकंड, 1 by 11, 11 से 1 को डिवाइड करना है. 1 सिंगल डिजिट है, 11 डबल डिजिट है, तो हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे. पॉइंट लगाने से एक जीरो यहाँ पर ऐड हो गया. अब ये 10 हुआ है और डिवाइड करना है 11 से, जो कि बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो और लगाएंगे ऊपर, तो यहाँ पर एक डस जीरो और आ गया. अब हो गया ये 100. 100 को 11 से डिवाइड किया जा सकता है. 9 यूज़ किया है, 99, रिमाइंडर आ गया 1, वापस से ये 1 आ गया. तो यानी कि अब बार बार यही पैटर्न फॉलो होता चला जाएगा, बार बार 09 09 09 आता रहेगा. 09 को अपन बार बार ना लिखने के बजाय अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.09 बार किसके ऊपर आएगा, 09 के ऊपर. सो 1 by 11 इज 0.09 बार. ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, लेकिन रिपीट क्या हो रहा है, 0909, इसलिए कौन सा नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिकरिंग डेसिमल. सो ये हो गया एक रैशनल नंबर. थर्ड है, मिक्स फ्रैक्शन है, 4 1/8. इसको अगर अपन सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 8 4 32 32 + 1 33, सो 33/8. 8 से 33 को डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 4.125. 125 के बाद यहाँ रिमाइंडर जीरो होता है, मतलब पूरी तरह से ये डिवाइड हो जाता है. दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर. फोर्थ देखिए, 3 by 13, मतलब 3 को डिवाइड करना है 13 से, 3 छोटा नंबर है, तो हम एक पॉइंट लगाएंगे. पॉइंट लगाने से एक जीरो हो गया, अब हो गया 30. 30 को 13 से डिवाइड करना है, तो एक लंबे डिवीजन के बाद 2 3 0 7 6 9 के बाद वापस रिमाइंडर आ जाता है 3, विच अगेन बिकम्स सेम नंबर. तो अब क्या होगा, वापस से ये पैटर्न फिर से फॉलो होगा, मतलब 2 3 0 7 6 9 फिर से आएगा, और उसके बाद फिर से 3 रिमाइंडर रह जाएगा. तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बार से, मतलब 3 by 13 इज 0.230769 बार, इन सब पर बार है. तो ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि ये रैशनल नंबर है. फिफ्थ, 2 by 11, सिमिलर पैटर्न रहेगा, 2 छोटा है 11 से, तो हम क्या लगाएंगे, पॉइंट, जिससे बन गया 20. तो 1 8 से डिवाइड करने के बाद फिर से रिमाइंडर 2 आ गया, मतलब वापस से यही फॉलो करना पड़ेगा, बार बार 1 8 1 8 आएगा, मतलब 1 8 बार. सो 2 by 11 इज 0.18 बार, विच इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, विच इज़ अ रैशनल नंबर. फोर्थ, 329 upon 400. 329 तीन डेसिमल है, 400 भी तीन डेसिमल है, पर 329 इज स्मॉलर देन 400, सो वील यूज अ डेसिमल टू मेक इट 3290. जिसको 8225 से डिवाइड करते हैं तब जीरो रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है. आंसर वुड बी 0.8225, विच इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड अ रैशनल नंबर. क्वेश्चन नंबर 2. You know that 1 by 7 is 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansion of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7 and 6 by 7 are without actually doing the long division method? If so, how? अब आपको ये बताना है कि 1 की वैल्यू दे दी, 1 by 7 की वैल्यू दे दी है, और ये बोल रहे हैं कि अब 2 by 7 की, 3 by 7 की वैल्यू बताओ बिना पूरा डिवीजन करे. तो अब क्या करेंगे हम, 2 by 7 इज़ नथिंग बट 2 into 1 by 7. तो जो वैल्यू यहाँ दे रखी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन जो आंसर आएगा वो पूरा बार में ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी बार में था. 3 by 7 इज़ नथिंग बट 3 into 1 by 7. 4 by 7 इज़ 4 into 1 by 7. 5 by 7 इज़ 5 into 1 by 7. 6 by 7 is 6 into 1 by 7. जो 1 by 7 की वैल्यू थी उससे 2 3 4 5 6 7 को मल्टीप्लाई करके उनका आंसर आ जाएगा. पर याद रखने वाली बात यह है कि इन सब नंबर्स के ऊपर बार लगेगा.
Question number third. Express Pauling in form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. अब यहाँ पर दे रखे हैं कुछ डेसिमल जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हैं और रिकरिंग हैं, मतलब जिनके नंबर के ऊपर बार लगी हुई है, उसको P by Q के फॉर्म में लिखना है। अभी कैसे कर सकते हैं, इसमें ध्यान दीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, लेट P by Q क्या है, फ्रैक्शन है, इज इक्वल टू 0.666 डैश डैश डैश। बार का मतलब यही है कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है, डैश डैश का भी मतलब यह है कि ऐसे इसी पैटर्न में बढ़ता चला जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हुई है। अब हमें एक डिजिट डेसिमल के बाद वाला एक डिजिट इस तरफ लाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे डेसिमल के, तो हमें क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों तरफ एक ही इक्वली नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा या डिवाइड करना होगा या सब्सट्रैक्ट, दोनों तरफ सिमिलर पैटर्न होना चाहिए। तो जो इक्वेशन हमारी पी बाई क्यू इज इक्वल टू 0.66 डैश डैश डैश, दोनों साइड ही हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी बाई क्यू बा क्या बन गया, 10 P/Q, और 0.666 क्या बन गया, 6.666। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। ये हमने क्यों करा है, क्योंकि अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में ध्यान दीजिए, दोनों के डेसिमल और टेल क्या है, 666 डैश डैश डैश, 666 डैश डैश डैश, दोनों की टेल अब सिमिलर हो गई है। अब सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कीजिए, ये सेकेंड इक्वेशन है, इससे फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कीजिए, 10 P/Q माइनस पी बाई क्यू क्या होता है, 1 P/Q इज इक्वल्स टू 6.666 डैश 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 माइनस 0.666 डैश डैश डैश। तो अब क्या होगा, पॉइंट के बाद जो टेल बनी है 6666 की, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए क्या आंसर आता है, 10 माइनस 1 क्या हुआ, 9 P/Q, एंड 6 माइनस 0 6, सो P/Q इज इक्वल्स टू 6/9। 6/9 भी सही आंसर है, लेकिन हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो नेक्स्ट आंसर बनता है 2/3। सो 0.66... को अगर अपन P/Q फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर आए 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.47 बार। अब इसमें ध्यान दीजिए, बार सिर्फ 7 के ऊपर लगा हुआ है, 4 के ऊपर नहीं, तो ये 3 स्टेप में होगा सॉल्व। पहला इक्वेशन क्या बनी, लेट P/Q इज इक्वल्स टू 0.4777 डैश डैश डैश। अब यहाँ डैश डैश का मतलब है कि 7 डिजिट रिपीट हो रहा है, 4 नहीं, ये फर्स्ट इक्वेशन बनी है। अब पहले स्टेप में अपन इस 4 को डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में लाना चाहेंगे, तो क्या करेंगे, एक डिजिट लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, बाय मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड वी गेट 10 P/Q इक्वल्स टू 4.7 डैश डैश डैश। अभी ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। अब एक 7 को हमें डेसिमल के इधर लाना है, एक डिजिट को लाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से करते हैं। नाउ अगेन वी विल मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स, 10 P/Q इंटू 10 हो गया 100 P/Q, 4.777 इंटू 10 हो गया 47.777। ये बन गई थर्ड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन की टेल सिमिलर है, 0.77 डैश डैश डैश। अब थर्ड इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कीजिए, माइनस कीजिए, क्या बनता है, 100 P/Q माइनस 10 P/Q इज इक्वल्स टू 47.777 डैश माइनस 4.777 डैश डैश डैश। 100 में से 10 गया, क्या बचा, 90 P/Q, 47 में से 4 बचा गया तो क्या बचा, 43। सो P/Q इज इक्वल्स टू 43/90। ये फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा, वापस से पॉइंट में चला जाएगा आंसर, इसलिए हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लिखेंगे, 43/90। थर्ड पार्ट देखिए, 0.001 बार 001 के ऊपर है, मतलब कि जब इसको P/Q फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 001001001 डैश डैश डैश। ये है फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इस जो पहला न्यूमेरिकल है उसको डेसिमल के इधर लाने के लिए हमें 1, 2, 3 डिजिट को बाहर निकालना है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तब जाकर एक डेसिमल इधर आएगा, इसलिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स। सो वी गेट 1000 P/Q इक्वल्स टू 1.001001 डैश डैश डैश। दिस बिकम्स अ सेकेंड इक्वेशन। नाउ सब्सट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन बाय वन फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या बने हमारी इक्वेशन, 1000 P/Q
minus 1 p by q is equals to 1.001001 dash dash minus 0.001001 dash dash dash. 1000 में से 1 गया तो क्या बचा 999 p by q. अब टेल कैंसिल होने के बाद 1 माइनस 0 क्या बचा 1. सो p by q इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 999. ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म है. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.999 डैश 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 इन द फॉर्म p by q. सिमिलर प्रोसेस है. फर्स्ट इक्वेशन क्या हुई, p by q इज इक्वल्स टू 0.999 डैश डैश डैश. अब एक डिजिट लाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से. सो 10 p by q इज इक्वल्स टू 9.999 डैश डैश डैश. ये होगी सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन देखिए, 10 p by q माइनस 1 p by q इज इक्वल्स टू 9.999 डैश 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 माइनस 0.999 डैश डैश डैश. सो द आंसर वुड बी 10 माइनस 1 इज 9, 9 p by q इज इक्वल्स टू 9 माइनस 0 इज अगेन 9. सो p by q इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 9. अब 9 अपॉन 9 कैंसिल हो सकता है विच इज इक्वल्स टू 1. अब ध्यान दीजिए, जो नंबर था 0.999 वो ऑलमोस्ट इक्वल हो मानते हैं अपन 1 के, और जब हमने फ्रैक्शन फॉर्म में उसको करके देखा तब भी वो इक्वल्स टू 1 ही आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17. जब 1 को 17 से डिवाइड करा, इसको 100 बनाने के लिए हमें पहले पॉइंट लगाना पड़ा और जीरो लिखना पड़ा, उसके बाद हमने एक लॉन्ग डिवीजन किया है और तब जाके उसका रिमाइंडर आया फिर से 1. ये 1 वापस आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये वापस से पूरा पैड लॉन्ग डिवीजन वापस करना पड़ेगा तो बार आ जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ, 1/17 इज इक्वल्स टू 0.0588235294117647 बार. तो ये क्वेश्चन, ये आंसर ये नहीं है, क्वेश्चन ये पूछा था कि कितने डिजिट आएंगे डेसिमल के बाद इसको सॉल्व करने में, बार के अंदर कितने डिजिट है, 16 डिजिट्स. तो आंसर है 16 डिजिट्स. ये पूरा लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व कीजिए और ये आंसर आएगा इसका. क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन. कैन यू गेस व्हाट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यू मस्ट सेटिस्फाई. ये कह रहे हैं ऐसा फॉर्म एग्जांपल दो पी बाई क्यू के, जहाँ पे दोनों पी और क्यू के बीच में कोई और कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. लेकिन शर्त यह है कि वो डेसिमल एक्सपेंशन जो हो वो टर्मिनेटिंग हो, मतलब जिसका पूरी तरह से वो डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0. तो हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं 2/5, 3/2, 7/8, 7/10. इसमें सारे जब डिवीजन हमने करके देखे तो सब टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 0. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इन फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर पे ध्यान दीजिए, यहाँ है 5, यहाँ है 2, यहाँ है 8. 8 का मतलब क्या है, 2 × 2 × 2, मतलब पावर ऑफ 2. 2 की पावर कितनी होगी, 8. 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 8. और यहाँ है 10. 10 मतलब क्या हुआ, 2 × 5. कहने का मतलब ये है कि अगर डिनोमिनेटर में या तो 5 आए और 5 की पावर, यानी 5 की पावर मतलब 5 स्क्वायर मतलब 25, 5 क्यूब इस तरह से, या फिर 2 हो या 2 की पावर यानी कि 4, 8 इस तरह से, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो. कॉम्बिनेशन क्या हुआ, 10, 100, 1000. जब डिनोमिनेटर में 2 या 5 या दोनों का कॉम्बिनेशन हो तभी उसी केस में इस डेसिमल जो है वो पूरी तरह से डिवाइड होगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा. टर्मिनेटिंग डेसिमल सिर्फ 3 केस में हो सकता है. कौन से 3 केस, व्हेन ऑल डिनोमिनेटर आर आइदर 2 और इट्स पावर, 5 और इट्स पावर, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दैट इज 2 × 5. सिर्फ इन्हीं 3 केस के अंदर डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा. क्वेश्चन नंबर 7, राइट थ्री नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. कोई से भी 3 एग्जाम्पल दे दीजिए जिसमें कि डेसिमल के बाद एंड नहीं हो रहा, मतलब लास्ट में डैश 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 आ रहा है, और नॉन रिकरिंग हो. नॉन रिकरिंग मतलब कोई फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है. दीज टू आर इमेजनरी नंबर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ अ पाई विच वी ऑलरेडी नो. क्वेश्चन नंबर 8,
Find three different irrational number between rational numbers 5/7 and 9/11. 5/7 एक रैशनल नंबर है, 9/11 भी एक रैशनल नंबर है, और वो कह रहा है कि तीन इरेशनल नंबर निकालो, मतलब a1, a2, a3 इरेशनल होने चाहिए दो रैशनल नंबर के बीच में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ये सॉल्व कर लेते हैं 5/7 का डेसिमल क्या आ रहा है। 5/7 मतलब 5 को डिवाइड करिए 7 से, 5 छोटा नंबर है तो पॉइंट लग जाएगा। जब हमने पूरा यहाँ तक सॉल्व करा तो वापस से रिमाइंडर 5 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये वापस से रिपीट करेंगे और फिर 5 आ जाएगा, तो बार लगेगा इस आंसर पर। तो 5/7 इज 0.714285 बार। नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है तो इसलिए ये एक रैशनल नंबर हो गया। इसी तरह से 9/11 को सॉल्व कीजिए, 11 से 9 को डिवाइड कीजिए तो डेसिमल लग गया, 90 हो गया। जब हमने डिवाइड करा उसको तो फिर वापस रिमाइंडर 9 आ गया, इसका मतलब ये फिर रिपीट होगा। तो 9/11 इज इक्वल्स टू 0.81 बार। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है इसलिए रैशनल नंबर है। तो अब हमें दो नंबर ढूंढने हैं जो 0.71 से बड़े हो। तीन नंबर ढूंढने हैं, 0.71 से तो बड़ा हो लेकिन 0.81 से छोटा हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि इसमें डेसिमल कोई फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं करने चाहिए और ना ही टर्मिनेट होना चाहिए, तभी तो वो इरेशनल बनेगा। तो हमने कोई से भी तीन नंबर इमेजिन कर लिए हैं, A1, A2, A3, जिसमें कि इस रेंज में होना चाहिए, 71 से बड़ा, 81 से छोटा, और कोई फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं होना चाहिए डेसिमल में और ना ही ये टर्मिनेट होने चाहिए, मतलब डैश डैश डैश। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, Classify following numbers as rational or irrational. अब बताइए कि ये rational numbers हैं या irrational numbers हैं। Root 23. 23 is a prime number, उसके factors नहीं हैं तो ये उसका square root भी possible नहीं है, this is an irrational number. 225. 225 is nothing but 15 का square. तो square root और square cancel हो जाएंगे, answer है 15. 15 is a rational number. 0.3796. 3796 पे terminate हो गया है decimal. जब ये डेसिमल टर्मिनेट हो गया इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। 7.478478... इसका मतलब क्या है, 478 रिपीट हो रहा है, यानी 478 बार। तो जो नॉन टर्मिनेट होते हैं पर रिकरिंग होते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं, इसलिए ये रैशनल नंबर है। फिफ्थ, 1.10100100000, 1000001, 4000001... ये रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि एक तो ये नेवर एंडिंग है, दूसरा ये कोई फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, तो ऐसा डेसिमल क्या कहला जाएगा, इरेशनल नंबर। थैंक यू।